नमस्कार, स्वागत सभी का एक बार फिर से हेलो व्लॉग्स में। दोस्तों, आज की जो यात्रा है ये ग्वालदम से हरिद्वार की ओर है। वैसे हम जा रहे हैं कुरुक्षेत्र हरियाणा, लेकिन जो वीडियो आपको विजुअल से दिख रहे हैं ये थराली से आगे पिंडर नदी के किनारे किनारे जब हम निकालते हैं तो वो दृश्य आपके सामने है। सुंदर सड़क, भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत कर्णप्रयाग से ग्वालदम तक जो सड़क बनी है बहुत शानदार सड़क, पहले बहुत सक्रिय हुआ करती थी, अब दो गाड़ियां आराम से पास हो सकती हैं अच्छी स्पीड के साथ। आधुनिक इंजीनियरिंग का उपयोग करते हुए सड़क का निर्माण किया गया है। नीचे सेफ्टी गार्डर हैं, ऊपर पहाड़ियां काट रखी हैं और अच्छा खासा स्पेस सड़क पर मिलता है। रोमांच भरा सफ़र और आनंददायक सफ़र से हम कह सकते हैं। कहीं पर बांज के पेड़, कहीं चीड़ और कहीं देवदार, और किनारे किनारे कलकल बहती हुई पिंडर नदी, साफ मौसम के साथ आगे बढ़ रहे हैं। बरसात का समय भी चल रहा है, लेकिन अभी यहाँ पर मौसम साफ है। नदी में पानी बढ़ चुका है। जब हम ग्वालदम से नीचे आते हैं तो साफ हिमालय के दीदार होते हैं। धीरे धीरे जब आगे बढ़ते हैं तो ये दृश्य हमें दिखाई देते हैं। आप सभी से निवेदन है कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें, साथ ही अपना अनमोल सुझाव ज़रूर दें। आपकी वीडियो कैसी लग रही है? इस बार बरसात में सितंबर में आपको काफ़ी वीडियोज़ मिलेंगे। कुछ महीनों पहलू से हम वीडियोज़ में अपलोड नहीं कर पाए थे अपने निजी कारण से। आपसे निवेदन, प्लीज अपने दोस्तों तक, अपने मित्रों तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाएं ताकि वैल्यूएबल कंटेंट आपके सामने मैं प्रस्तुत कर सकूं। आपको उत्तराखंड एक्सप्लोर करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी हमारे वीडियोज के थ्रू। तो मैं बात कर रहा था इस झरने की। धीरे धीरे जब हम थराली की ओर आते हैं तो हमें सबसे पहले पिंडर नदी के किनारे किनारे अपना सफ़र तय करने का अवसर मिलता है। फिर आगे लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर कर्णप्रयाग है। कर्णप्रयाग से जहाँ पर पिंडर नदी अलकनंदा में मिलती है और आगे वही प्रवाह आगे बढ़ता है और पिंडर नदी अलकनंदा में समा जाती है, आगे अलकनंदा के नाम से जानी जाती है। कर्णप्रयाग से लेफ्ट की ओर एक सड़क बद्रीनाथ जोशी मठ फूलों की घाटी से निकलती है, तो दूसरी राइट साइड में जिस पे भी हम हैं ये सड़क कुमाऊं और गढ़वाल को जोड़ती है। फिर जब हम रुद्रप्रयाग पहुँचते हैं तो मंदाकिनी और अलकनंदा आपस में मिलती है। वहाँ से केदारनाथ का रूट प्रारंभ होता है। आगे बढ़ने के बाद जहाँ भी अब हैं यह धारी देवी, और नीचे आप जो देख रहे हैं ये अलकनंदा रिवर है और काफ़ी टूरिस्ट यहाँ पर आपको दिखेंगे। रुद्रप्रयाग से 17 किलोमीटर की दूरी पर है धारी देवी मंदिर, और यहाँ से
जो कि श्रीनगर में डैम है उसके कारण लंबी सी झील बनी हुई है। श्रीनगर के बाद हम फिर देवप्रयाग, देवप्रयाग के बाद आगे बढ़ते हुए ऋषिकेश आते हैं। ऋषिकेश के बाद अगर हम बाईपास निकलें तो आपको राजाजी नेशनल पार्क होते हुए एक चीला नहर मिलेगी जिस पर भी हम हैं। चीला नहर के किनारे सड़क सीधे हरिद्वार में मिलती है मेन हाईवे पर, तो आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में चीला नहर, उसी के किनारे किनारे हमारा सफ़र आगे बढ़ रहा है। तो यात्रा साहित्य बड़ा अच्छा लगता है, उम्मीद करता हूँ कि आपको भी ऐसी यात्राएँ वीडियोज़ के माध्यम से भी अच्छी लगती होंगी और साथ में जब आप खुद ही प्रेजेंट होते होंगे और ज़्यादा आनंददायक आपका सफ़र रहता होगा। ये चीला नहर है